हे गाइस, व्हाट्सअप में हूँ एसके और आप सबका डिस्प्लेक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं शाओमी की नई अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आज शाओमी ने नया अपडेट जारी किया है। अगर आपके पास शाओमी का कोई भी मोबाइल है एमआई का, तो आप ये अपडेट ज़रूर चेक कर लें। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैं अपनी सेटिंग में आया मोबाइल की, और मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद अबाउट फ़ोन में गया और सिस्टम अपडेट पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा अपडेट हो रहा है फ़ोन, क्योंकि इसमें अपडेट नया आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका नया अपडेट 9.5.10 है, जबकि पिछला अपडेट वर्जन था 9.5.9। तो जस्ट ये अभी कुछ ही देर पहले आया है। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या बग्स फिक्स किए गए हैं। तो इसके नए अपडेट में इसका सिक्योरिटी पैच लेवल का जो डेट है वो नया है, और इसमें आप देख सकते हैं 5/1/5/2018 का और 6/7/2018। तो ये जो सिक्योरिटी पैच लेवल है जो आज की डेट 7 तारीख का है, और ऑप्टिमाइजेशन एडिड न्यू ट्रांसमिशन, ये नया फीचर ऐड किया है इन्होंने, जो कि आप जब कोई मेन्यू मिनिमाइज़ करते हैं या कोई फीचर नया ओपन करते हैं तो जो ट्रांसमिशन दिखता है, तो वो नया फीचर उन्होंने ऐड किया है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा होगा। बट मैं इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके ही आपको बता सकता हूँ कि ये किस तरीके का दिखेगा। और उसके अलावा फिक्स रिवोट इशू वाइल कॉलिंग, ये एक वक्स था जो कि आप कॉल करते थे, कॉल के दौरान अगर आपके का मोबाइल जो ना रिबूट हो जाता हो, ऐसा कोई इशू आ रहा होगा, तो आपका ये बग फिक्स हो जाएगा। हालांकि मेरे मोबाइल में, मैं MI 5A यूज करता हूं और मेरे मोबाइल में ऐसा कोई इशू नहीं था, बट शाओमी ने दिया है तो हो सकता है काफ़ी मोबाइल में ऐसा इशू आ रहा हो, बट मेरे मोबाइल में ऐसा कोई इशू नहीं था। तो अगर आपके मोबाइल में भी कॉलिंग के दौरान आपका फ़ोन रिबूट हो जाता होगा तो आप इसे अपडेट कर लें और आपका जो ये बग्स है फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इस अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए या इसमें कौन कौन से नए फीचर ऐड हुए हैं जो कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, आप देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे, या फिर आप इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके चेक कर सकते हैं कि शाओमी का नया अपडेट में कौन कौन सा फीचर ऐड हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और इस नई अपडेट को ज़रूर कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।